नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, यह हमने बहुत बार सुना है। अन्न जिस तरह का होता है वैसा ही हमारा मन होता है, और अन्न के पीछे जो सबसे मुख्य कारण है वो यही कि जिस एनवायरनमेंट में आप खाना बनाते हैं और साथ ही जिस मन के साथ, जिस भाव के साथ आप खाना बनाते हैं, वही खाना हमारे शरीर में एक एनर्जी जो है वो हमें देता है, और हमारे पूरा जो दिन बीतेगा वो उस एनर्जी के हिसाब से ही डिटरमाइन होता है। तो अब बात करते हैं वास्तु के हिसाब से कि हमारी जो किचन है, हमारी रसोई किस तरह से होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो समझने के लिए बहुत जरूरी है, ये दो चीजें हैं, सुनने में एक जैसी लगती हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कि हमारी जो रसोई है वो हमेशा साउथ ईस्ट कॉर्नर में परफेक्ट होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि किचन यानी खास करके जो आप कुक करते हैं, वो आपका जो गैस का चूल्हा है वो साउथ की वॉल पर नहीं होना चाहिए। यानी जब आप खाना बनाते हैं तो आप कभी भी साउथ फेसिंग खाना ना बनाएं। तो प्रिफरेबली जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, कि यदि आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खाना बनाते हैं तो आपके किचन का वास्तु अगर इम्परफेक्ट है भी तो उसमें एक बैलेंस जो है बना रहेगा किचन के अंदर, और जो किचन के वास्तु दोष के कारण आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल इश्यू हो सकते हैं या फिर जो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं वो आपको कम देखने के लिए मिलेंगी। तो यदि मैं अपनी इस किचन की बात करूं तो यहां पर मैंने अपनी एक ओल्ड स्टाइल जो है एक क्लॉक लगाई हुई है, और साथ ही जो किचन का आइलैंड है वो उसके ऊपर जो है हार्डवुड है। प्रिफरेबली अगर आप वुड को बहुत अच्छे से रख सकते हैं तो हार्डवुड का आइलैंड बहुत अच्छा रहता है। सेकेंड ऑप्शन जो रहती है वो रहती है क्वार्ट्स की, और थर्ड ऑप्शन रहती है ग्रेनाइट की। मेरी किचन के अंदर जो मैंने काउंटर टॉप के ऊपर स्टोन लगाया हुआ है वो क्वार्ट्स है। इसके अलावा जो अगर आप मेरे पीछे ध्यान से देखेंगे तो जितने भी बर्तन हैं, जितने भी यूटेंसिल्स मैंने लगाए हुए हैं वो कॉपर के हैं। कॉपर के यूटेंसिल्स जो हैं वो इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जब आप एल्युमिनियम का इस्तेमाल अपने घर में करते हैं बर्तनों में, तो अब आप सोचेंगे एल्युमिनियम तो हम कभी भी नहीं इस्तेमाल करते। तो सबसे पहला एग्जांपल एल्युमिनियम का है हमारा प्रेशर कुकर, जो कि अनुमन हर घर में होता है। इसके अलावा जितने भी हम नॉन स्टिक जो हमारे कुकवेयर होते हैं वो कोटिंग होती है ऊपर, लेकिन उसके जो अंदर है वो आपका एल्युमिनियम होता है। तो जब कभी भी आप एल्युमिनियम का बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका जो वीनस है वो वीक होता है। वहीं यदि आप कॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका मर्करी इंप्रूव होता है और वीनस भी आपका स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपने एल्युमिनियम का यूज करना बंद कर दिया। तो यही कारण है कि मेरी किचन में मैंने कॉपर के बर्तन रखे हुए हैं। क्वार्ट्स जो है वो एनर्जी को रेजोनेट करता है, इसीलिए ये सबसे फर्स्ट चॉइस आपकी किचन में होनी चाहिए। एक और अहम बात कि यूजुअली जब हम किचन डिजाइन करते हैं तो काउंटर टॉप हम डार्क कलर का लेने की कोशिश करते हैं, तो उसे अवॉइड करिए। खास करके जो ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है उसको अवॉइड करना चाहिए। हाई सीलिंग है मेरी किचन में और यहाँ पर शैंडेलियर है। इसके अलावा दिन की जो है वो प्रॉपर रोशनी आती है, ईस्ट की तरफ फेस करके मैं हमेशा खाना बनाती हूँ। एक और चीज जो ध्यान देने वाली है कि आपका वर्क ट्रायंगल होना चाहिए किचन के अंदर। फंक्शनल आपकी किचन होनी चाहिए, पानी का सोर्स और आपका जो कुकिंग का है, जो आपका चाहे कुक टॉप है या फिर गैस का बर्नर है, वो साथ साथ नहीं होने चाहिए, पैरेलल नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आप किचन में ध्यान रख सकते हैं और आप अपनी किचन का वास्तु जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ अपने कैजुअल डाइनिंग एरिया, जो कि किचन के साथ ही अटैच है, लेकिन उसकी खास बात यह है कि मैं जब भी चाहूँ उसको किचन से सेपरेट कर सकती हूँ, डोर बंद कर सकती हूँ, और जब चाहूँ मैं उसको खुला कर सकती हूँ। तो ये मेरा कैजुअल डाइनिंग एरिया है, इसमें लगभग 8 जने जो हैं मेरे परिवार के एक साथ बैठ करके हम खाना खा सकते हैं। और जो मेरे पीछे ये डोर है इसको अगर मैं बंद कर देती हूँ तो ये अलग हो जाता है, मेरे किचन एरिया से सेपरेट हो जाता है, और वहीं यदि मैं इसको खुला छोड़ती हूँ तो ये पार्ट ऑफ किचन एरिया है। तो किचन एरिया के साथ जो कैजुअल आपका डाइनिंग एरिया होता है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप किचन में बैठ करके ही खाना खाते हैं तो उससे आपका जो राहु है वो इम्प्रूव होता है। खास करके अगर आपकी कालसर्प की कुंडली है और आप कोई बड़ा उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है कि आप किचन में बैठ करके ही खाना खाएं। तो ये मेरा जो कैजुअल डाइनिंग एरिया है ये वो है, और इसके साथ ही जो है मेरी किचन के साथ ही जो है वेस्ट में जो है मेरा फॉर्मल डाइनिंग एरिया है, मैं वहां आपको लेकर के चलती हूँ और उससे जुड़ी हुई खास बातें मैं आपको बताती हूँ, और साथ ही ये भी बताती हूँ कि फॉर्मल डाइनिंग एरिया और कैजुअल में जो है वो अंतर क्यों रखा गया है।
तो ये जो मैं आपको इस समय दिखा रही हूँ, ये मेरा फॉर्मल डाइनिंग एरिया है। और यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पर आराम से मैं लगभग 10 जने बिठा सकती हूँ। 10 का सिटिंग अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर करा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं और सिटिंग एरिया जो है वो यहाँ पर बना सकती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने मल्टीपल जो है शैंडिलियर का इस्तेमाल किया है। ब्रास के शैंडिलियर हैं। ब्रास के शैंडिलियर जहाँ जो है वो किचन में बहुत अच्छे रहते हैं, गोल्ड की टोन बहुत अच्छी रहती है। और अगर हम बर्तनों की बात करें खाने की, जैसे बनाने के लिए मैंने कॉपर आपको बताया, ठीक उसी तरह से अगर आप सर्व करने की बात करें तो कांसे के बर्तन जो हैं वो आप इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो भी आपके हॉरोस्कोप को बैलेंस करते हैं, आपके घर की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो कैजुअल डाइनिंग एरिया और साथ में फॉर्मल डाइनिंग एरिया होना इसलिए जरूरी है ताकि घर की एक प्राइवेसी जो है वो बनी रहे। और घर की गृहिणी अगर किसी व्यक्ति को नहीं चाहती कि वो जिस तरह से खाना बनाते हैं उसको वो देखे, तो वो भी आप इससे अचीव कर सकते हैं। और एक और बात, खास करके जो ओपन कॉन्सेप्ट किचन होती है उसमें भी ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब कभी भी आप खाना बनाएं तो आपके मेहमान को ये नहीं दिखना चाहिए कि आप किस तरह से खाना बनाते हैं। और यहाँ पर जो थिक कर्टेंस मैंने यूज करे हैं वो इसीलिए करे हैं कि जो एक इस कमरे की सैंक्टिटी है वो बनी रहे। और अगर इस कमरे में खाना खाते हुए एक थोड़ा सा कोलाहल का माहौल है, आपसी बातचीत चल रही है, तो वो प्राइवेसी जो है वो इसी कमरे तक सीमित रहे, यहीं पर मेंटेन रहे। आइए मैं अपने डाइनिंग एरिया को दूसरे एंगल से आपको दिखाती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो। तो ये दूसरा एंगल है मेरे फॉर्मल डाइनिंग एरिया का। और अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने थिक कर्टेन की बात करी और यहाँ पर पर्सनलाइज पिक्चर जो है मैंने अपनी लगाई हुई है, तो ये इसीलिए लगाई हुई है कि जो कमरे में जो आपकी आवाज़ गूंजती है वो कम से कम गूंजे। खास करके जब आप सिल्वर वेयर यूज़ करते हैं तो बहुत आवाज़ जो है अनॉइंग हो जाती है, आप आपस में बात नहीं कर पाते, वही आप बार बार कटलरी की आवाज़ जो है वो सुनते रहते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए यहाँ पर थिक कर्टेन का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। और एक और चीज़ जो आप ध्यान देंगे वो ये कि मैंने टेबल के मिडल में थ्रू आउट एक कपड़े का जो है एक रनर जो है उसको डेकोरेट करने के लिए लगाया हुआ है। तो ये इसीलिए कि ये मेरी टेबल को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करता है कि जब कभी भी मुझे अगर सर्व करना होता है तो मैं थ्रू आउट रनर में यानी मिडल में सब चीज़ें रखती हूँ और जो इधर उधर बैठने वाले हैं उनको आराम से अपना, जैसे हम कहते हैं, एक डेडिकेटेड जो हिस्सा है टेबल का सेपरेटेड, वो दिखाई देता है। और ऐसा मैंने इसलिए किया है कि जितनी ऑर्गेनाइज आपकी डाइनिंग टेबल होगी, आपका सिटिंग अरेंजमेंट होगा और साथ ही आपकी सर्विंग होगी, उतनी ही ऑर्गेनाइज आपकी रिलेशनशिप होगी। क्योंकि अगर आप किसी को खाने में फॉर्मली बुला रहे हैं खाने पर, तो उसके पीछे यही चाहते हैं आप कि उस इंसान के साथ आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव हो, प्रगाढ़ता बढ़े और आपके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। तो कटलरी की आवाज ना हो, नॉइस रिडक्शन के लिए मैंने थिक कर्टेन लगाए हैं। और इसके अलावा एक ऑर्गेनाइज माहौल रहे उसके लिए मैंने थ्रू आउट एक कपड़े का रनर लगाया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपनी किचन में कर सकते हैं। अब बात आती है, बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं कि अरे आरती जी, हमारी तो किचन जो है वो टोटली गलत डायरेक्शन में है। तो आप किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से बात करके मिरर का यूज कर सकते हैं अपनी किचन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। मिरर बहुत आराम से मिल जाता है, बहुत आराम से लगाया जा सकता है और उसके थ्रू आप जो है प्रोस्पेरिटी, एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं अगर आपके किचन में आप उसका वास्तु जो है वो परफेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो रहा मेरा किचन का वास्तु, फिलहाल इतना ही। और आगे वाले उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बैकयार्ड वो आपका कैसा होना चाहिए ताकि आप थ्रू आउट कह सकें कि मेरा जो घर है वो फ्लॉलेस है और वास्तु परफेक्ट है। क्या आपकी किचन वास्तु परफेक्ट है? क्या आपके घर में जो है वो प्यार से लोग रहते हैं? क्या आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है? क्या आपके घर में कोई भी समस्या नहीं है? क्या आपकी किचन का फुल पोटेंशियल आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं या फिर आपके मन में कोई भी किचन को लेकर के डाउट है? तो आप हेजिटेट ना करें, मुझे आप कमेंट करें, साथ ही आप चाहें तो पर्सनली जो है आप मेरे से क्वेश्चन पूछें या फिर आप बताएं कि आप कौन सा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं किचन का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या देखना चाहते हैं वो मुझे बताना ना भूलें।